बढ़ते सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और उससे होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए महापौर ने बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स का वितरण किया। वहीं महापौर ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का आमजनों से अनुरोध भी किया। दुर्ग नगर पालिका निगम स्वच्छ भारत मिशन 2022 के तहत बढ़ते सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और उससे होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए महापौर धीरज बाकलीवाल ने बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स की जानकारी देते हुए वितरण किया। निगम के द्वारा नोटिफिकेशन आम जनता को जागरूक करने के लिए दुकानों में स्टिकर चिपका कर प्रतिबंधित और उपयोग में आने वाली प्लास्टिक की जानकारी दी गई। स्वच्छ भारत मिशन 2022 के तहत इस प्रकार के जन जागरूकता अभियान से दुर्ग शहर की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार होगा। वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता लक्ष्मी शर्मा के द्वारा 25,000 बायोडिग्रेडेबल बैग वितरण के लिए निगम को निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। पर्यावरण कार्यकर्ता लक्ष्मी शर्मा पिछले 5 सालों से प्लास्टिक के विकल्प के लिए लोगों को जागरूक कर पर्यावरण के हित में कार्य कर रही है। कैरी बैग उपयोग करने के बाद खुले वातावरण में फेंक दिए जाने पर 180 दिनों में पूर्णतः जैव विघटित होकर मिट्टी में बदल जाएगा। इस संबंध में सहायक स्वास्थ्य अधिकारी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। नई गाइडलाइन भी आई है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सर्वेक्षण 2022 में सिंगल यूज प्लास्टिक के संबंध में जो है नगर निगम दुर्ग द्वारा जो है प्रतिबंध की कार्रवाई निरंतर की जा रही है और लोगों में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध करने के लिए जो है एक हमने एक जागरूकता अलग से भी जारी की है जिसमें जो है एक बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग का उपयोग करने के लिए व्यापारी संघ के लोगों को भी से निवेदन किया है और यहाँ पे हमने नागरिकों से भी इस प्रकार का निवेदन किया है कि आप बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग करें ताकि वो उसका निपटान जो है वो स्वयं हो जाए। वो क्या है, जैसे भी आप हम फेंकेंगे उसको तो मिट्टी में मिलके वो जो एक मिट्टी जैसे ही हो जाता है तो अपने आप में वो नष्ट होने की उसकी प्रक्रिया बन जाती है। तो जिस तरीके से शहर में बेतरफी तरीके से जो प्लास्टिक बिखरे रहते हैं वो प्लास्टिक में हमें कमी आएगी और इससे हमारा शहर स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए नगर निगम दुर्ग द्वारा जो है नीचे स्तर से पूरी कार्रवाई कर रही है। इसके लिए अलग अलग टीम भी गठित की गई है। सबसे कम रेट में है ये बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग जो है जो प्लास्टिक अभी प्रचलित में है उससे कम दर में है और ये एक अच्छी मतलब दर्जे की है जिससे लोग इसको उपयोग करेंगे तो कहीं गिरेगी नहीं, टूटेगी नहीं और ये वैधानिक रूप से उपयोगी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।